गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह निहित है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी भाग्यवान न होगा बहुत भाग्यहीन है क्योंकि वे उनके प्रेम से मुक्त हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने कमल की उन पत्तियों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं जो पानी में रहकर भी पानी उन्हें कभी भी अपना नहीं सकता, और तेल की उस बूंद से दिए हैं जो पानी में रहकर कभी भी उससे घुल मिल नहीं सकती। वेरी गुड, तो आपको ये पार्ट अच्छे से याद है। इसके अलावा हमारा नेताजी का चश्मा, ये वाला पार्ट भी याद है आपको बेटा? ये अच्छा अच्छा, चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ इसी में से। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने यह इसलिए कहा क्योंकि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्होंने खुद न आकर उद्धव को भेज दिया और योग साधना का संदेश दे दिया जो एक राजनीतिक सीखने का ही प्रत्यय है। ओके ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर तिग्ने, थैंक यू सो मच।